नेचुरली प्रोड्यूस वेजिटेबल्स कहता हूँ, हम पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते। और सिर्फ इसका एक सिंपल सा चीज़ है कि आपको सब्जी भी एक लाइफ फोर्स है, आपको इस बात को मानना है। मेरे को पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था फार्मिंग को लेके, ना मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था मैं धनिया का पत्ता कैसा होता है कैसा होता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2-2.5 साल का एक रिलेशनशिप हमारा फार्मर्स के साथ रहा है, और उनके साथ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली और एक एम्पैथेटिक रिलेशनशिप डेवलप हुआ। मुझे लगता है कि हाँ, कमर्शियल फार्मिंग में तो सद्भावना है ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कमर्शियल फार्मिंग में आप एंड प्रोडक्ट की तरफ से भाग रहे हो, आपका प्रोसेस जो है सब कुछ एंड प्रोडक्ट के ऊपर फोकस्ड है। और मार्केट में ये होता है कि जिसकी फसल पहले आ जाती है तो उसको ज़्यादा रेट मिल जाता है, जिसकी फसल बाद में आती है उसको कम रेट मिलता है। तो हर कोई चाहता है मैं सीज़न से पहले निकाल दूँ। सीज़न से पहले सब्ज़ी अगर निकालनी है आपने अच्छे रेट के लिए किसान को, तो उनको इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा, हॉर्मोन्स भी डालने पड़ेंगे, उनको केमिकल भी डालना पड़ेगा, क्योंकि एक प्लांट अपने सीज़न के टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उसके अंदर से, क्योंकि वो भी लाइफ फोर्स है, वो हम हमेशा मिस करते हैं। तो एक कहावत है, इफ़ यू समथिंग इज़ नॉट ईटिंग योर गार्डन यू डूइंग समथिंग रॉन्ग, कि आपके कुछ खाने ही नहीं आ रहा तो आप कैसे खा सकते हैं। काफ़ी रिसर्चेज भी ऐसी हैं जो इसको प्रूव करती है कि बच्चों को अगर गार्डनिंग सही स्टेज में अगर बचपन में सिखाई जाए तो फिर वो ज़्यादा अवेयर रहेंगे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेके, ज़्यादा अवेयर रहेंगे सीजन्स को लेके, ज़्यादा अवेयर रहेंगे अपने आसपास के पेस्ट को लेके, बटरफ्लाइज को लेके, बीज को लेके। तो एक इकोसिस्टम बनता है।